केंद्र सरकार के निर्देश एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 जून से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। तकरीबन 2.5 महीने से बंद रहे मंदिर के कपाट आखिरकार दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इस कड़ी में पूरे देश में विख्यात पटना सिटी का ऐतिहासिक शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर को खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भक्तों के मंदिर में प्रवेश को लेकर नियम कानून बनाया गया है। मंदिर में प्रवेश करने का नया तरीका भी लागू हो गया है। इस नियम के तहत मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बड़ी पटन देवी मंदिर के महंत ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए परिसर में सर्कल घेरा भी बनाया गया है, जिसके तहत श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ श्रद्धालुओं को देवी कक्ष में जाने से वर्जित किया गया है, जहां श्रद्धालु देवी कक्ष के बाहर से ही दर्शन करेंगे। इसके साथ ही पूरे मंदिर को सैनिटाइज करने का नियम होगा और निरंतर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, पटना। व्यवस्था हम लोग अपने किए हैं, दो पुलिस है, वो लोग गेट पर रहेंगे, एक के हाथ में ये सब ऐसे रहेगा, मशीन रहेगा, उस जो है उसका टेम्परेचर नापेगा, और एक आदमी उसके हाथ पर जो देंगे सैनिटाइजर, उसके बाद हाथ लगा करके तब अंदर प्रवेश करना है। चेहरा पर सबको मास्क लगा के आना है, प्रसाद फूल लेकर आना है तो, लेकिन भीतर जाना नहीं है, गेट पर ही आपको भगवती के बाहर ही से पूजा कराएंगे। प्रसाद अपना ठेकाइए, फूल माला आपको चढ़ाना है वहीं बगल में रख दीजिए और लेकर के जाइए।